हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? होप सो आप सब अच्छे हैं, सब कुशल हैं, मंगल हैं और हेल्दी भी हैं। गुड। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भगवान जी की प्रार्थना। तो खड़े हो जाइए, हरिया हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना करेंगे। आपको मैम के बाद बोलना है और ये श्लोक सबको लर्न भी करना है, याद भी करना है इसे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै वर्णमाला सीख ली है, आ की मात्रा हम लोग सीख चुके हैं। इससे पहले की क्लास में जब आप क्लास यूकेजी में थे तब आप सारी मात्राओं का ज्ञान आपको हो चुका है, पर एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो आज हम फिर सीखने जा रहे हैं छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा सीखने जा रहे हैं? छोटे ई की मात्रा। इसमें जो आपका सिलेबस था वो यूकेजी में थोड़ा कम था, अब क्लास वन में आ गए हैं तो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, तो आपको आज क्या करना है? छोटी ई की मात्रा मैम के साथ साथ सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई मात्रा से परिचय। ये वाला जो ई है ये छोटा ई है ना, तो इसका जो साइन है वो ऐसे और ऐसे है। आया समझ में? इसको बहुत जोर से नहीं बोलना है। जब हम लोग बड़ा ई बोलते हैं तो उससे हम लोग थोड़ा सा जोर देके बोलते हैं, बट हम लोग जब छोटा ई बोलते हैं तो हमें क्या करना है? उसे धीरे से बोलना है। दिन, किताब, गिलास, इस टाइप से हमें जोर से नहीं बोलना है। गिलास, किताब, इस टाइप से हम लोग नहीं बोलते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके व्यंजन। व्यंजन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग छोटे ई की मात्रा का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क, क में छोटे ई की मात्रा की, और मात्रा हमेशा जो बीच वाली स्टैंडिंग लाइन होती है ना, इसी के ऊपर मात्रा आपको देना है। ये आप हमेशा याद रखिए। अभी आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। ओके, ये देखिए, तो में जो स्टैंडिंग लाइन है इसी के ऊपर छोटे ई की मात्रा दी हुई है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, और एक बात, हम लोग अभी पीटी वन स्टार्ट कर रहे हैं। पीटी वन एग्जाम जो है उसमें मैम ने बुक में जो दिए हुए हैं छोटे छोटे सेंटेंस, उसी के बीच में से सवाल पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर में भी उसी में ही है। आपको उसको बार 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 रिवाइज करना है। ओके, ये बात आप याद रखिए। क, क के बाद कौन सा वर्ण आएगा? ख। ख में छोटे ई की मात्रा खी। क में छोटी की मात्रा की। ख में छोटी की मात्रा खी। ग, ग में छोटे ई की मात्रा गी। घ में छोटे ई की मात्रा घी। इसके बाद आएगा अंग। अंग में कोई मात्रा
नहीं लगती है। ये बात हमेशा याद रखिए, अंग और ईय में कोई मात्रा नहीं लगती है। ओके, अब इसके बाद है वर्ण च। च में छोटे की मात्रा ची, छ में छोटे की मात्रा छी, ज में छोटे की मात्रा जी, झ में छोटी की मात्रा झी। उसके बाद है ई, यहां तक हुआ समझ में आया आपको? गुड। इसके बाद है ट। ट में छोटी की मात्रा टी, ठ में छोटे की मात्रा ठी, ड में छोटे की मात्रा डी, ढ में छोटे की मात्रा डी। अर्ण, अर्ण में छोटे की मात्रा नी, नी, टी, ठी, डी, ढी, नी। इसके बाद आएगी त की लाइन। त में छोटे की मात्रा ती, थ में छोटे की मात्रा थी, द में छोटे की मात्रा दी, ध में छोटे की मात्रा धी, न में छोटे की मात्रा नी, ती, थी, दी, धी, नी। इसके बाद आएगी प की लाइन। प में छोटे की मात्रा पी, फ में छोटे की मात्रा फी, ब में छोटे की मात्रा बी, भ में छोटे की मात्रा भी, म में छोटे की मात्रा मी, पी, फी, बी, भी, मी। इसके बाद है य। य में छोटे की मात्रा ई, र में छोटे की मात्रा री, ल में छोटे की मात्रा ली, व में छोटे की मात्रा वी। इसके बाद है श। श में छोटे की मात्रा शी, उसके बाद फिर जाएगा श। श में छोटे की मात्रा शी, स में छोटे की मात्रा सी, ह में छोटे की मात्रा ही, श में छोटे की मात्रा क्षी, त्र में छोटे की मात्रा त्री, और लास्ट में यहाँ आएगा ग्य। ग्य में छोटे की मात्रा जी। चलिए अब मैम ने यहाँ पे आपको लिख के बताया है, एक बार आप इसको पढ़िए। मैं आपको टाइम देती हूँ 1 मिनट का। हरिया ये अपने। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ, सॉफ्ट बोर्ड पे। ये कौन से अक्षर हैं?
क, कौन सा अक्षर है क, इसमें हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटे ई की मात्रा लगाएंगे। क में छोटे ई की मात्रा की, क में छोटे ई की मात्रा की, ख में छोटे ई की मात्रा की, ग में छोटे ई की मात्रा गी, घ में छोटे ई की मात्रा घी। इसके बाद में क्या आएगा, अंग, क्या आएगा अंग, अंग में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया, ख में छोटे की मात्रा की, ख में छोटे की मात्रा खी, ग में छोटे की मात्रा घी, घ में छोटे की मात्रा घी, लास्ट में है अंग, क्या है अंग। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं, क में छोटे की मात्रा की, ख में छोटे की मात्रा खी, ग में छोटे की मात्रा घी, घ में छोटे की मात्रा घी, अंग। अब इसे डायरेक्ट पढ़ेंगे, ओके, मैं इसके बाद रिपीट करना है, ची ची जी जी इय, टी ठी डी ढी नी, ती ठी दी घी नी, पी फी बी भी मी, यी री ली वी शी, शी सी ही क्षी त्री गी। यहां तक हम लोग व्यंजन में ई की मात्रा का प्रयोग करना सीख गए। अब हम करते हैं रीडिंग, तो चलिए मयूरपंख की बुक उठाइए अपनी, निकालिए जल्दी से, छोटी ई की मात्रा से परिचय करेंगे। यहाँ पे पाठ चार है ये हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं पाठ चार, ई की मात्रा से परिचय, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहां से, क से लेकर ज्ञ तक मात्रा का प्रयोग हम लोग सीख गए हैं। अब हम इसके शब्द पढ़ते हैं, अपने फिंगर यहां पर रखेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, ची डी या चिड़िया, ची डी या चिड़िया, जो बीच में जो प्लस है और इज इक्वल टू है, इनको हमने उनके घर पे भेज दिया। अब हम आगे का पढ़ेंगे, ओके, की सा न किसान, की सा न किसान। इसके बाद नीचे यहां पर आपको फिंगर रखना है, अब ये कौन सा अक्षर है, द, द में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, द में छोटी की मात्रा दी, और इसके बाद क्या है, न दी न दिन, कैसे पढ़ेंगे, दी न दिन। अब इसके बाद दूसरा शब्द देखेंगे, ये कौन सा अक्षर है, ख, कौन सा अक्षर है ये, ख, ख में कौन सी मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है या छोटी की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ख में छोटी की मात्रा खी, ल में आ की मात्रा ला, खी ला खिला, खी ला खिला, है ना, ये हो गया डर, पढ़ लिया अपने से, गुड। अब दूसरा, स में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, स में छोटी की मात्रा सी, त में आ
की मात्रा ता र सी ता र सितार सी ता र सितार। इसके बाद है ये क्या है र र में छोटी की मात्रा री म री म झ में छोटी की मात्रा झी म रिम झिम रिम झिम रिम झिम। ये हो गया डर, ये वाली लाइन पढ़ ली हमने। अब दूसरे लाइन पे आपको अपनी फिंगर रखना है, आपकी उंगली रखेंगे यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे गी न गिन गी न गिन। इसके बाद है पी ला पी ला पीला। इसके बाद गी टा र गिटार गी टा र गिटार। इसके बाद जी ल मी ल, इसको आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके बोलना है। जैसे पहले बोल दिया जी, उसके बाद क्या है ल, फिर क्या है मी, उसके बाद क्या है ल, जी ल मी ल झिलमिल झिलमिल। यहाँ तक हो क्या गुड। अब ये क्या है पी न पीन दी ला दिला सी या र सियार। इसके बाद है ही ल मी ल हिल मिल हिल मिल। थोड़ा सा ब्रेक कर करके जो बड़े शब्द होते हैं उनको आपको धीरे धीरे पढ़ना है ओके। इसके बाद है मी ल मिल मी ला मिला नी खा र निखार सा ई की ल साइकिल। अब इसके बाद है दी ल दिल की ला किला वी मा न विमान ना री य ल नारियल ओके। यहाँ तक समझ में आया, हम दूसरा पढ़ते हैं हरिय चलिए अब हम एक ही मात्रा के छोटे छोटे वाक्य पढ़ेंगे। आपको नीचे यहाँ पे फिंगर रखना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है और बोलना भी है ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरण इधर आ किरण इधर आ। इसके बाद है साइकिल साइकिल चलाकर बाजार जा साइकिल चलाकर बाजार जा। इसके बाद है किशमिश ला किशमिश ला। अब किसे बुला रहे हैं यहाँ पे किरण को, कैसे बुला रहे हैं किरण इधर आ साइकिल चलाकर बाजार जा। कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं किरण को, बाजार जाने के लिए बोल रहे हैं। बाजार जाकर क्या लाना है देखिए किशमिश ला, क्या लाना है किशमिश, क्या खाना है उन्हें किशमिश खाना है, इसलिए किरण को कहाँ भेज रहे हैं बाजार। किस लिए भेज रहे हैं किशमिश लाने के लिए। अब आगे बिटिया डिबिया इधर रख, एक और बिटिया है उनके यहाँ पे, उसे क्या कह रहे हैं जो डिबिया आती है उसको यहाँ पर रख। सितार बजा, क्या बजाना है सितार बजा, क्या बजाने के लिए बोल रहे हैं सितार बजा। रिमझिम हिसाब गड़बड़ मत कर, किसे बोल रहे हैं हिसाब करने के लिए रिमझिम को, और क्या बोल रहे हैं कि हिसाब में गड़बड़ मत कर। रिमझिम हिसाब गड़बड़ मत कर। किताब उधर रख, अब ये क्या है बुक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं बुक, हिंदी में इसे कहते हैं किताब, क्या बोल रहे हैं किताब उधर रख। यहाँ तक समझ में आया आपको गुड। तो सबसे पहले
किरण इधर आ, साइकिल चलाकर बाजार जा। किशमिश ला बिटिया, डिबिया इधर रख, सितार बजा। रिमझिम हिसाब गड़बड़ मत कर, किताब उधर रख। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं इसमें से ही मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसी के अंदर आंसर भी है, तो आपको उसके सही आंसर देना है। ओके, समझ में आया आपको? गुड। ये जो है दिन निकला, गाय गुनगुनाए, ये आपको घर पर पढ़ना है और इसका पढ़कर वीडियो बना के मैम को सेंड करना है। ओके, तो चलिए कॉपी निकालिए जल्दी से, हम लोग मात्रा का प्रयोग सीखते हैं कॉपी में। हरी अप, निकालनी सबने कॉपी। गुड, ऊपर हेडिंग आना है पार्ट चार, ई की मात्रा से परिचय। सपोज ये आपकी रेड लाइन है, हमेशा आपको रेड लाइन के बाद ही लिखना है, ये बात याद रखिएगा। इरेजर का यूज बहुत कम करना है, बार बार इरेजर का यूज नहीं करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा क, क में छोटी की मात्रा की, आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन बना के रखना है। डन हो गया। इसके बाद है ख, ख में छोटे ई की मात्रा खी, लिख लिया आपने। हरियो, इसके बाद है ग, ग में छोटे ई की मात्रा गी, उसके बाद है घ, घ में छोटे की मात्रा घी, बोल बोल के लिखना है, ये बात हमेशा याद रखिए। जो आप बोलोगे वही आपको लिखने की आदत हो जाएगी, वही आपको प्रैक्टिस में आएगा, इसलिए आपको बोल बोल के लिखना है, ये बात हमेशा समझ लीजिए। ओके, इसके बाद है अंग, अंग में कोई मात्रा नहीं लगती है। नेक्स्ट, इसके बाद है चौथी लाइन, च में छोटे की मात्रा ची, इसके बाद आएगा छ, वेरी गुड, छ में छोटे की मात्रा छी, ज में छोटे की मात्रा जी, छ में छोटे की मात्रा छी, इसके बाद है ईय, ईय में कोई मात्रा नहीं लगती है। ओके, अब इसके बाद है ट, ट में सॉरी ठ बन गया, ट में छोटे की मात्रा टी, ठ में छोटे की मात्रा ठी, ड में छोटे की मात्रा डी, ढ में छोटे की मात्रा धी, अ में छोटे की मात्रा नी,
हो गया है माता। अब इसके बाद नीचे अब आएगी प की लाइन, कौन सी लाइन है, त की लाइन, वेरी गुड। इसके बाद आएगी त की लाइन, त में छोटे की मात्रा ती, थ में छोटे की मात्रा थी, द में छोटे की मात्रा दी, ध में छोटे की मात्रा धी। जैसे मैम बोल रहे हैं वैसे ही आपको भी बोलना है और बोल बोल के देखना है। न में छोटे की मात्रा नी। इसके बाद आएगी प की लाइन, कौन सी लाइन आएगी, प की लाइन। ओके तो यहाँ लिखेंगे प में छोटे की मात्रा पी, प में छोटे की मात्रा फी, ब में छोटे की मात्रा बी, भ में छोटे की मात्रा भी, म में छोटे की मात्रा मी। यहाँ तक हो गया डन। अब इसके बाद य में छोटे की मात्रा यी, र में छोटे की मात्रा री, ल में छोटे की मात्रा ली, व में छोटे की मात्रा वी, श में छोटे की मात्रा शी। हो गया डन यहाँ तक सबका। अब नेक्स्ट लाइन,